ये वीडियो थाईलैंड सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। इस पे आप देखोगे थाईलैंड पे हॉस्टल पार्टी कैसे होता है, पब क्रॉल में क्या क्या होता है, कितना पैसा चाहिए, बैंकॉक पे कहाँ पे होता है ये पब क्रॉल, ये सारा कुछ जानेंगे और देखेंगे ये वीडियो में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम कोलकाता से फ्लाइट लेके बैंकॉक पहुंचे और टुक टुक वाले से बार्गेनिंग कर करके 100 भाट वाला फेयर 40 भाट देके हम पहुंचे मैड मंकी हॉस्टल। ये हॉस्टल मैंने पहले से ही बुक कर लिया था 3 दिन के लिए, टोटल लगा 960 भाट, मतलब पर बेड पर नाइट लगा मुझे 320 भाट करके। 500 भाट दे देते 1500 सिक्योरिटी पर्पस। पासपोर्ट और 500 भाट एनीवन। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है, पासपोर्ट या फिर 500 भाट। सबसे पहले तो हम कंफ्यूज हो गए कि पासपोर्ट जमा करे कि 500 भाट दे दे। 500 भाट निकाल ही लिया था, लेकिन लास्ट में 5 मिनट का डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया कि पासपोर्ट ही डिपॉजिट कर देते हैं। तो हमने हम तीनों का पासपोर्ट जमा कर दिया और हमें मिला एक कूपन जिसमें फ्री वेलकम ड्रिंक्स लिखा हुआ था। तो फिलहाल बुकिंग वगैरह खत्म हो चुका है, वेलकम ड्रिंक। अब ये वेलकम ड्रिंक्स में ये लोग क्या पिलाएंगे वो मुझे पता नहीं। 7 PM to 7:30. Okay. Your name? Maud. Yeah. Are your name? Haka. Okay. ये एक बहुत ही अच्छा बोर्ड है, कौन सा कंट्री से कितने लोग आए हैं ये हॉस्टल पे, कितने लोग रुक रहे हैं ये हॉस्टल पे, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इंग्लैंड वाले यहाँ पे कर क्या रहे, 45 लोग इंग्लैंड से, जर्मनी से 4, इंडिया से 5, यूएसए से 10। मतलब देखो ये हॉस्टल पे फिलहाल पूरे वर्ल्ड के लोग आए हुए हैं। वैसे ये हमारा डॉर्म है जहाँ पे 4 बेड है एक के ऊपर एक। थोड़ा देर बाद हम चले गए स्विमिंग पूल में, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वैसे पूल पार्टी ऐसा नहीं होता है, स्विमिंग पूल में जो पार्टी होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है जो मैं बाद में किसी एक वीडियो में दिखाऊंगा। और इधर शाम होते होते हॉस्टल का मौसम कुछ ऐसा बन रहा था, धीरे धीरे माहौल बन रहा था और हम वेट कर रहे थे वेलकम ड्रिंक्स का। देखो अल्कोहल का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, क्या दे रहे हैं वो मुझे पता नहीं। हमेशा लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, इसकी वजह से इशारों इशारों में बातें करना पड़ता है। तो भाई ने कुछ तो कॉकटेल बनवा के दिया, देखने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन ये फूल क्यों दिया है। सब लोग यहाँ पे अपने अपने धुन पे लगे हुए हैं। और इधर चल रहा है पिंग पोंग गेम, कुछ ग्लास को ट्रायंगल शेप में सजा कर रखते हैं टेबल के दोनों साइड पे, दो टीम होता है। टेबल टेनिस बॉल अगर एक साइड से दूसरा साइड में फेंक के ग्लास के अंदर घुसता है तो उसे एक सिप पीना पड़ता है और जिसका ग्लास पहले खत्म होगा वही जीतता है ये गेम। ये गेम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं खेलने गया और खेलने के बाद हारने लगा तो मुझे ये गेम बकवास लगने लगा। ये है जॉली, नेदरलैंड से, जो किसी दूसरे हॉस्टल में रहती है लेकिन ये हमारे हॉस्टल पे आई है बस पब क्रॉल अटेंड करने के लिए। ये है टॉनी, इंग्लैंड से, मैड मंकी में आया है सिर्फ पब क्रॉल के लिए। पब क्रॉल स्टार्ट होने ही वाला है अभी, ये जब भी मिलता है ना पता नहीं क्यों कैमरा बोल के हंस देता है कैमरा में देख के। ये सारा लोग जो ये हॉस्टल में काम कर रहे हैं ये सब काउच सर्फिंग कर रहे हैं, मतलब ये लोग हॉस्टल में फ्री में रुक रहे हैं, हॉस्टल का काम कर रहे हैं और उनको फ्री का खाना मिल रहा है, रहने का जगह मिल रहा है, कभी कभी शायद सैलरी भी मिलता है। वैसे बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि पब क्रॉल होता क्या है। पब क्रॉल में लड़का लड़की सब एक ग्रुप बना के अलग अलग पब्स में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। लाइव म्यूजिक होता है, डीजे होता है, डांस तो होता ही है और उसके साथ साथ फ्री शॉट्स मिलता है। बैंकॉक का जो फेमस पब क्रॉल होता है वो हमारा ये हॉस्टल मैड मंकी में होता है एवरी वेडनेसडे और संडे को। हॉस्टल में नहीं स्टे करने से भी बाहर से लोग आके पब क्रॉल ज्वाइन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो होता है 490 भाट। So that would be for a night per person. Okay. Total 980. Okay. एक हैंडबैंड दिया है जिससे पता चलता है कि हम मैड मंकी के साथ हैं और उसके साथ साथ ये फटा हुआ टी शर्ट। One more time. भाई साहब को मैंने बोला फिर से लेंस में फेंको टी शर्ट। Yes. बोल रहे हैं।
ये पहन के जाना होगा ये पहन के तो नहीं जाने वाला मैं अरे अम्मी वो अच्छा लग रहा है सिर्फ ये ऐसे ऐसे है भाई ये तरफ वैसे तो ये टी शर्ट पहनना मैंडेटरी नहीं है लेकिन दिया है तो पहन ही लेते ऊपर एक शर्ट पहन लूंगा मैं हम दोनों हो चुके हैं तैयार ये रहा मैन बैंक की टी शर्ट पपक्रॉल में जाएंगे लेट्स गो टू पपक्रॉल अभी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है सबको मिलेगा फ्री का एल्कोहल का बकेट कुछ तो नशा वाला देते इसलिए मैंने बोला मुझे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स देना तो अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो तो मेरे तरह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही ले सकते हो ऐसे बकेट में ड्रिंक्स सबको मिलेगा जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है और ये एक और नया गेम है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा भाई सब दारू वाला गेम्स होते हैं इधर पहले तो टाइम लगा मुझे समझने में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है बाद में पता चला दो ग्रुप है टेबल के दोनों साइड में टेबल के सामने पैग रखा हुआ है फर्स्ट पर्सन पैग पिएगा उसके बाद ग्लास को टेबल के ऊपर बिठा के हाथ से मार के जंप करवा के उल्टा करके बिठाना है टेबल में जब तक फर्स्ट पर्सन ये करके खत्म नहीं करेगा तब तक दूसरा पर्सन पैग पी नहीं सकता तो ऐसे करते करते जिस साइड का जल्दी खत्म होता है वो साइड जीतता है तो अभी मेरा खेलने का बारी पी तो लिया लेकिन अभी ग्लास मेरा उलट नहीं रहा कर क्या रहा हूं मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूं मैं ओह तो एट लास्ट हो गया पता नहीं ये कौन था जिसके साथ गले मिला चेहरा देख के लग रहा है कि ये जॉन है अमेरिका से मेरा खत्म होने का साथ साथ मेरा दूसरा टीम मेंबर ने स्टार्ट कर दिया और ऐसे करते करते हम लोग हार गए दूसरा वाला टीम जीत गया लेकिन ये भाई को और एक गेम खेलना है इसको जीतना है तो इसलिए हमने फिर से और एक गेम खेला सेम टीम के साथ लेकिन हम फिर से हार गए क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं गेम खेलते खेलते ही फ्री शॉट वाला महात्मा आता है और सबका मुंह में देके जाता है कैमरा वैसे गाइस पपक्रॉल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है अभी होने वाला है लेकिन उससे पहले एक और फ्री शॉट का बारी है जिसको ये लड़का बोलता है हैप्पी शॉट्स ये सब एक के बाद एक सजाया हुआ ग्लास है ऊपर में छोटा 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 ग्लास है दोनों ग्लास में अलग अलग किस्म का एल्कोहल है एक एंड से कोई एक लड़की ये ऊपर वाला ग्लास को ऐसे टच कर देगी फिर देखना क्या होता है बैंड में टिक करके रखते कि किसने ड्रिंक्स लिया नहीं लिया मुझे लगा ये चीयर्स कर रहा है मेरे साथ लेकिन नहीं लाउड म्यूजिक के वजह से क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है मतलब मेरा जो ग्लास लेने का तरीका या फिर पकड़ने का तरीका है कुछ तो गलत है इसमें पता नहीं उसने क्या बोला पी लेता हूँ जो होगा देखा जाएगा मैं उस बारटेंडर की तरफ बार बार देख रहा था कि कुछ तो बोलेगा कुछ बोलने ही वाला है वो लेकिन एट लास्ट कुछ बोला नहीं यह है कावासाकी जापान से ये सब हम सब एक साथ जा रहे हैं खासोन रोड पे पपक्रॉल के लिए मजा आ रहा है यस ब्रो कैसा लग रहा है बढ़िया फुल पार्टी मूड मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई फुल टल्ली हो चुका हूँ मैं भी हम लोग टोटल 65 लोग एक साथ जा रहे हैं पपक्रॉल पे अब सोचो कितना मजा आने वाला है खासोन रोड बैंकॉक का एक फेमस रोड है उसका अलग ही एक वीडियो आएगा मेडबंकी हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट का रास्ता है बस तो ऐसे ही 2 मिनट वॉक करके हम पहुंचे खासोन रोड पे ये सामने देख रहे हो आप लोग ये खासोन रोड कैसा लग रहा है भाई बढ़िया 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 कुछ अलग हो रहा है ये लड़की पता नहीं कहाँ से हर वक्त मेरे सामने आ जाती है और मेन लोकेशन पे एंट्री लेने के बाद माहौल ही बदल जाता है चारों तरफ पार्टी मोड ऑन कोई ऐसे ही डांस कर रहे होते रोड के बीच बीच में
ओपन बार बहुत है और ऐसे ही रोड पे पोस्टर लेके खड़ी रहती है लड़कियां ड्रिंक्स बेचने के लिए। तो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन, पहला पब जहाँ मेडमंकी हॉस्टल के सब लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। बाहर से देख के लगता है कि इस पब का बहुत ही शांत सा माहौल है, लेकिन अंदर घुसने के साथ साथ मैं गलत साबित होता हूँ। अंदर में लाइव म्यूजिक चल रहा होता है, गाना तो अच्छा गा रहा है लेकिन इंग्लिश गाना तो नहीं सुनता मैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन नाटक कर रहा हूँ कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। करके बस बीट के साथ झूमना ही तो है और वो बहुत अच्छे से कर रहा हूं मैं। हम तो हमारा बकेट छोड़ के आ गए, लेकिन ये कैमरा वाला भाई साहब अपना बकेट लेके आए हैं। यहाँ पे कौन किसको पहचानता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई भी किसी को नहीं पहचानता यहाँ पे, लेकिन सब भाई है इधर। ये मैडम टेबल पे चढ़ जाती है, उनको देख के उज्जवल को भी खुजली होता है और वो टेबल पर चढ़ जाता है। दोनों डांस करते हैं, उज्जवल अपना कोशिश जारी रखता है लेकिन भाव नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा देर बाद थोड़ा सा भाव मिलता है और थोड़ी देर बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। वो लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और उसको किस करता है, चला जाता है और उज्जवल बस अकेले पीछे डांस करता हुआ रह जाता है। बाय द वे ये लड़की का नाम है रागिनी। इधर पता नहीं क्या होता है, दोनों लड़कियां डांस करती है, कान में कुछ बोलती है खुसुर फुसुर, फिर ओ करके चिल्लाती है, फिर गिर जाती है। फिर रागिनी मेरे साथ आके नाचती है, लेकिन रागिनी को दो लड़का चाहिए था, एक और लड़का को बुलाती है जिसका नाम है सरदीप। फिर रागिनी का मन में एक सवाल आता है, मुझे पूछती है कि मैं मलेशिया से हूँ क्या, मैं बोलता हूँ हाँ, और सरदीप सोचता है इसके साथ भी बात करेगी बाद में, लेकिन बहुत वेट करने के बाद बात नहीं करती है, तब ये लड़का ये करने लगता है। सरदीप हमेशा अपना सर से डांस करता है, अपना सर हिलाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, और ये रागिनी सबके साथ नाचती है और सरदीप तो इधर भी हिला रहा है अपना सर। उज्जवल तो डांस कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उज्जवल को कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा है ये गाना, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अरे सरदीप इधर भी सर हिला रहा है, कोई रोको उसे। तो ऐसे ही हम लोग और थोड़ा देर डांस वांस करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर ये पब छोड़ के दूसरा पब में जाने का बारी आता है। निकलने से पहले हम लोग सिंगर को अप्रिशिएट करके निकलते हैं। इंडिया से बहुत लोग मिलते हैं उस रात। बाद में जब इसे पता चलता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उज्जवल को एक फ्री का किस मिल जाता है। लेकिन ये क्या, एडिटिंग के टाइम पे देखता हूँ कि ये पीछे वाला इंडियन लड़का रागिनी को किस करने का कोशिश कर रहा है। बाद में उस लड़के का कोई यूट्यूब चैनल नहीं होने के वजह से उसको किस नहीं मिलता, सिर्फ उज्जवल को मिलता है। अब बारी है दूसरा पब में जाने का। हम लोग सबको वॉकिंग भी हिल हिल के करना पड़ता है, नहीं तो लोग हमें कूल नहीं समझेंगे ना। दूसरा पब का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, लाइव म्यूजिक तो नहीं होता लेकिन डीजे होता है यहाँ पे। पब क्रॉल में आने से पब में जो एंट्री होता है वो होता है फ्री, लेकिन कुछ भी ड्रिंक्स अगर पीना चाहते हो वो आपको खरीद के ही पीना होगा। वैसे फ्री शॉट्स कभी कभी मिलता है। बाद में एक कावासाकी अपना अच्छा दोस्त बन जाता है और हमारा एक अलग से ग्रुप बन जाता है डांस का। दो अलग अलग चीजें, एक तो यार वीडियो बनाओ या फिर सिर्फ डांस करो। अगर सिर्फ वीडियो बनाएंगे तो मस्ती नहीं कर पाएंगे, अगर सिर्फ मस्ती करेंगे तो वीडियो नहीं बना सकते। दोनों एक साथ करने से ऐसा ही होता है, वीडियो हिलता रहता है, और इसके लिए सॉरी। इस भाई का डांस स्टेप हमेशा ही बहुत अलग होता है। अभी तक धीरे धीरे सबको हल्का हल्का नशा हो जाता है, तो सब लोग पागल की तरह डांस करना शुरू कर देते हैं। हम लोग सब मस्ती से डांस कर रहे होते और तभी एक लड़की का एंट्री होता है, नाम है सोफिया। सोफिया धीरे धीरे पास आने लगती है, मुझे लगा गलती से टच हो रहा है तो मैं और दूर हट जाता हूँ और अपना धुन पे डांस करता रहता हूँ। सोफिया इस बार मुझे बुला ही लेती है।
अरे भाई ये किसका सर है? शायद सरदीप का होगा, सर घुसाने का आदत है उसे। मैं ये लड़की को बोलता हूँ शाउट शाउट, चिल्लाओ, लेकिन लड़की ऐसे चिल्लाती है। थोड़ा डांस करके मैं घूम जाता हूँ दूसरा तरफ, सोफिया फिर से बुलाती है। इस बार कुछ अलग ही होता है, जो अनएक्सपेक्टेड था। उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसको लेके चला जाता है, और मैं कुछ नहीं हुआ ये सोच के ऐसे ही अपना लोका लोका डांस पे डांस करने लगता हूँ। बाद में इन दोनों का बहुत तगड़ा झगड़ा होता है। बाद में थोड़ा देर और एंजॉय करने के बाद पार्टी को अधूरा छोड़ के हम लोग हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। So, अभी खत्म हो चुका है पार्टी शार्टी। पार्टी वैसे अभी भी चल रहा है, लेकिन हम लोग हमारा हॉस्टल पे जा रहे हैं। काफी मजा आया, सोचा नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बहुत मजा आया। हाँ, और आग लग गया। मतलब राइट पे सर घुमाओ यार, लेफ्ट पे, राइट पे बोल के लेफ्ट पे घुमा रहा हूँ मैं। राइट पे घुमा हुआ लेफ्ट, मतलब चारों तरफ पूरा एकदम चारों तरफ पार्टी मोड ऑन है। चारों तरफ तो किसी भी पॉपकॉर्न में आप लोग जा सकते हो, मतलब बैठ सकते हो। बस एक मतलब वही एक ड्रिंक्स ले लेना, बस एक ड्रिंक चाहिए और आप घुस जाना पॉपकॉर्न में। तो नाचो गाओ जो भी करो, एंजॉय करो बस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, आज का वीडियो में जितना भी नाम लेके कहानी सुनाया, सारा मेरा दिया हुआ नाम है, फेक नाम है, एक्सेप्ट जॉली। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे, बाय बाय। और भी धमाल होगा नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, इसका चैनल है बैकपैकर। आभार बोलो। उज्जवल बैकपैकर। बाय बाय। बाय। ए तुम बाय करे कर रहे हो मेरे को, बाय दिखा रहे हो तुम, बाय करो। अरे हम लोग सही रहते, बाय करो तो, बाय करो।